नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। कोरोना वायरस का रिपोर्ट कार्ड लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हर 24 घंटे में बिहार का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस जिले से कितने मरीज सामने आए हैं, कहां कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से और कितने मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। बात अगर 28 मई की करें रात के 9 बजे तक, तो बिहार में 3106 कन्फर्म्ड मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से बिहार में हो चुकी है और 1050 ऐसे मरीज हैं जो अब तक ठीक हो चुके हैं। जिलावार सूची पर ध्यान दें तो आपको पता ही है कि बिहार के 3800 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज, सबसे ज़्यादा कन्फर्म्ड मामले पटना ज़िले से निकल कर आए हैं। 233 कन्फर्म्ड केसेस अब तक पटना में सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और 74 लोग अब तक रिकवर हो पाए हैं। रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास से 201 कन्फर्म्ड मामले अब तक निकल कर आए हैं, जिनमें से 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 68 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। बात मधुबनी ज़िले की करें तो मधुबनी ज़िले से 176 कोरोना के कन्फर्म्ड मामले निकल कर आए हैं, जिनमें से 23 लोग ठीक हो पाए हैं। बेगूसराय ज़िले से 161 कोरोना के कन्फर्म्ड मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 52 लोग अब तक ठीक हुए हैं। मुंगेर ज़िले से 148 कोरोना के मरीज अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 120 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। खगड़िया ज़िले से भी 148 कन्फर्म्ड मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। कटिहार ज़िले से 134 मामले कोरोना वायरस के अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से मात्र 9 लोग ठीक हुए हैं। बक्सर ज़िले से कोरोना वायरस के 114 कन्फर्म्ड केसेस अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 91 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। जहानाबाद से 112 कोरोना के कन्फर्म्ड मामले अब तक सामने आए हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है जहानाबाद ज़िले में और 7 लोग रिकवर हो पाए हैं। बांका ज़िले से 106 मामले कोरोना वायरस के आए हैं, जिनमें से 7 लोग ठीक हुए हैं। गोपालगंज ज़िले से 101 कोरोना के कन्फर्म्ड मामले सामने आए हैं, जिनमें से 50 लोग रिकवर हो पाए हैं। भागलपुर ज़िले से भी 101 कोरोना के कन्फर्म्ड मामले सामने आए हैं, जिनमें से 53 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। नालंदा ज़िले से 95 मामले सामने आए हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 71 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। पूर्वी चंपारण से कोरोना वायरस के 83 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 12 लोग अब तक ठीक हुए हैं। नवादा ज़िले से भी 83 कन्फर्म्ड मामले निकल कर आए हैं, जिनमें से 25 लोग अब तक रिकवर हो पाए हैं। दरभंगा ज़िले से कोरोना वायरस के 69 कन्फर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, 15 लोग अब तक ठीक हुए हैं। समस्तीपुर ज़िले से कोरोना वायरस के 62 मामले अब तक निकल कर आए हैं, जिनमें से 26 लोग स्वस्थ हुए हैं। सिवान ज़िले की बात करें तो सिवान ज़िले से 72 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है सिवान में और 41 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। वैशाली ज़िले से 60 मामले अब तक निकल कर आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है वैशाली ज़िले में और 11 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। औरंगाबाद ज़िले से कोरोना वायरस के अब तक 63 मामले निकल कर सामने आए हैं, जिनमें से 27 लोग ठीक हुए हैं। सहरसा ज़िले से कोरोना वायरस के 57 मामले अब तक निकल कर आए हैं, 24 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। सुपौल ज़िले से 60 मामले निकल कर आए हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 12 लोग ठीक हुए हैं। गया ज़िले से 65 मामले कोरोना वायरस के अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 8 लोग ठीक हुए हैं। शेखपुरा ज़िले से 52 मामले हैं, जिनमें से 10 लोग रिकवर हो पाए हैं। मधेपुरा ज़िले से भी 52 मामले हैं, मधेपुरा ज़िले से 9 लोग अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। कैमूर ज़िले से
53 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 35 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। भोजपुर जिले से कोरोना वायरस के 47 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 25 लोग ठीक हुए हैं। सारण जिले से भी कोरोना के 47 मामले अब तक सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से सारण जिले में हुई और 19 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। पूर्णिया जिले से कोरोना के 56 मामले अब तक निकल कर आए हैं, जिनमें से 7 लोग ठीक हो पाए हैं। पश्चिमी चंपारण से 42 कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 22 लोग ठीक हुए हैं। सीतामढ़ी जिले से 45 मामले कोरोना वायरस के आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और मात्र 6 लोग ठीक हो पाए हैं। मुजफ्फरपुर जिले से 40 कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के आए हैं, जिनमें से 17 लोगों का इलाज हो पाया है, 17 लोग रिकवर हो गए हैं। अरवल जिले से 39 मामले कोरोना वायरस के अब तक आए हैं, जिनमें से 10 लोग रिकवर हो पाए हैं। लखीसराय जिले से 32 मामले कोरोना वायरस के अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 7 लोग ठीक हुए हैं। किशनगंज जिले से भी 32 मामले हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 13 लोग स्वस्थ हुए हैं। जमुई से 29 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 11 लोग ठीक हुए हैं। अररिया जिले से भी कोरोना के 29 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 5 लोग ठीक हुए हैं। शिवहर जिले से भी 7 मामले अब तक निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला पटना जिला है 233 कंफर्म्ड मामलों के साथ में, जहां पर 2 लोगों की मौत भी हुई है और 74 लोग ठीक हुए हैं। और शिवहर जिले में सबसे कम संक्रमित मरीज है, सबसे कम प्रभावित जिला है शिवहर, जहां पर मात्र 7 कंफर्म्ड मामले अब तक आए हैं, जिनमें से 4 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। और अगर उस जिले पर ध्यान दें जहां पर सबसे ज़्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं संक्रमितों में से, तो मुंगेर एक समय में सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में से एक था, लेकिन आज वहां पर 148 कंफर्म्ड मामले हैं, जिनमें से 120 लोग ठीक हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यानी कि मुंगेर में ठीक होने वाले लोगों का रेशियो अन्य ज़िलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बिहार में अब तक 3,106 कोरोना के कंफर्म्ड मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 लोगों की मौत हुई है, जो कि पटना, रोहतास, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, जहानाबाद, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, सारण और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जबकि 1,050 लोग अब तक कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं, जिनमें से आज ही केवल 132 लोग ठीक हुए हैं। कल हमने आपको बताया था कि 118 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है और आज 132 लोग ठीक हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर 1,050 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात अगर बिहार में करें तो 2,041 यानी कि 2,041 केसेस अभी भी बिहार में एक्टिव हैं। इन लोगों का इलाज जारी है और कोरोना और ज़िंदगी के बीच में ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, बिहार में कोरोना का जो ख़तरा है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए और संक्रमित मरीज़ जिस संख्या में मिल रहे हैं उनमें कमी आए। तो आपने 28 मई का रिपोर्ट कार्ड देखा, ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड हम हर 24 घंटे में इसी समय आपको बताते हैं कि पूरे बिहार का अपडेट क्या है, 24 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ है, कहाँ कितने मरीज़ बढ़े हैं, कहाँ कितने लोग ठीक हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, ये सभी जानकारी हम आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए डेटाज के आधार पर बताते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस को आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और उसे लाइक करें। धन्यवाद।